नमस्कार, आज हम जानेंगे अगर आप खुद का एडमिन सॉफ्टवेयर MATM मनी ट्रांसफर मोबाइल रिचार्ज DTH रिचार्ज जैसे सर्विस के साथ अगर आप खुद का एप्लीकेशन खुद का ब्रांडिंग के साथ खुद का पोर्टल खोलने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में सारे चीज़ों को मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा और एडमिन सॉफ्टवेयर हम जो बना के देते हैं किस तरह का एप्लीकेशन बना के देते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका AEPS मनी ट्रांसफर रिचार्ज बिल पेमेंट ये एक ऐसा सर्विस है जो पिछले 5 से 6 सालों में बड़ी से बड़ी कंपनियाँ छोटे लेवल की कंपनियाँ बड़े लेवल की कंपनियाँ कई सारी कंपनियाँ मार्केट में अपने मेहनत के बल पे बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसा है जो छोटे स्तर पे काम कर रहे थे खुद का ब्रांडिंग करने के साथ वो अभी मार्केट में एक बड़ा ब्रांड और बड़ा पहचान बना लिया है। अगर आप AEPS मनी ट्रांसफर रिचार्ज जैसे बिल पेमेंट का खुद का पोर्टल बनाने के लिए सोच रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी छोटे कंपनी या छोटे लेवल के कंपनी से या वैसे सॉफ्टवेयर जो मतलब छोटे कंपनी का हो वैसे सॉफ्टवेयर पे आपको काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं ये चीज़ों को समझा देता हूँ। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप मेहनत करके रिटेलर बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं वो सभी रिटेलर का बैलेंस जो होता है वो आपका API में होता है। कई सारे मार्केट में फ्रॉड कंपनियाँ भी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। आप तो जाएंगे लेकिन रिटेलर को साथ में ले डूबेंगे। कहने का मतलब अगर आपके रिटेलर आपके पास 100 रिटेलर एक्टिव है और 100 रिटेलर का सभी का बैलेंस मिला के मान लीजिए कि 8 लाख रुपया या 10 लाख रुपया है तो वो 10 लाख का जिम्मेवारी आपका होता है। अगर आप मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर किसी फ्रॉड कंपनी से ले रखा है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाता है कि आप तो जाएंगे बस साथ में रिटेलर को भी लेके चले जाएंगे। तो छोटे लेवल की कंपनी में ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे मार्केट में अभी अवेलेबल है जो आप देख पा रहे होंगे 20,000 में सॉफ्टवेयर ले लो 25,000 में ले लो तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जब भी AEPS मनी ट्रांसफर का सॉफ्टवेयर होता है वो 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आता है आप अगर खुद की ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, आज के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि एडमिन सॉफ्टवेयर अगर आप खुद का पोर्टल बनाते हैं तो आपको पास 3 से 4 लाख रुपया होना चाहिए और वो भी अच्छे कंपनी का आपको चुनाव करना पड़ेगा। पहले हम बताते हैं आपको कि एप्लीकेशन हम कैसा बना के देते हैं। एप्लीकेशन कुछ इसी तरह का इंटरफेस के साथ हम बना के देते हैं और इंडिया में लगभग 500 प्लस एडमिन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने मार्केट में दिया है। किसी न किसी ब्रांड को जानते होंगे क्योंकि हम एप्लीकेशन अलग अलग नहीं बनाते हैं। सभी एडमिन के लिए हम एक ही जैसा एप्लीकेशन बना के देते हैं जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। किसी न किसी ब्रांड को आप जानते होंगे क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ काम कर रहा है। एप्लीकेशन हम सभी एडमिन का एक ही जैसा बना के देते हैं, अलग अलग ऐप हम नहीं बनाते हैं, कस्टमाइज सिस्टम नहीं है। तो इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपने बहुत सारे पोर्टल देखा होगा जो अभी मार्केट में चल रहा है और बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस पोर्टल को हम जो सॉफ्टवेयर का चार्जेस लगाते हैं वो चार्जेस हमारा है 1.5 लाख रुपया जो ऑल ओवर इंडिया एक ही प्राइस है। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तभी आप एडमिन सॉफ्टवेयर के लिए सोचिए, अन्यथा मत सोचिए। दूसरी चीज़ें मैं अभी जो हमने बताया आपको 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो वो कैसे हम 1.5 लाख में इसलिए देते हैं क्योंकि हम API AEPS माइक्रो ATM DMT रिचार्ज सारे API हमारा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका ट्रांजेक्शन ऑल ओवर होता है उसके ऊपर 50 पैसा हमें भी प्रॉफिट होता है। सिंपल बात समझिए, हमने सॉफ्टवेयर दिया API भी हमारा रहेगा क्योंकि 8 बैंकों का BC है हमारा ऑलरेडी कंपनी, तो API भी हमने दिया तो वहाँ पे क्या होता है जो भी आप ट्रांजेक्शन वॉल्यूम करते हो जो भी कमीशन कमाते हो उसमें से 50 पैसा हमें भी इनकम की अपेक्षा रहेगा आपसे। इस वजह से हम 1.5 लाख में देते हैं। हमारा डेवलपमेंट टीम है, आपको अलग से कोई डेवलपर रखने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 लाख में कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, एप्लीकेशन इसी तरह का बना के देते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं एडमिन पैनल का तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।